आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोमवार रात थाना जगदीश क्षेत्र के बोदला लोहामंडी रोड पर सेक्टर 4 स्थित जूते की फैक्ट्री के बेसमेंट में कार घुस गई। हालांकि गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई वहां मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। सोमवार रात थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बोदला लोहामंडी रोड स्थित सेक्टर 4 में जूते की फैक्ट्री में अचानक बाहर खड़ी कार बेसमेंट में जा घुसी। गनीमत यह रही कि घटना के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जूते की फैक्ट्री के गार्ड का कहना था कि कार गेट को तोड़ती हुई बेसमेंट में जा घुसी, जबकि गेट पर एक स्क्रैच का निशान तक नहीं है। मैं खाने गया था, ताला लगा के कारीगर को सामान देके उसके सामने ताली लगा के और खाने वक्त मैंने खाया ही है, उसी देर में खबर पहुंच गई जब बाबा गाड़ी कारखाने में घुस गई। तो गाड़ी कारखाने में घुस गई तो गेट वेट पर कोई खरोंच नहीं, गेट लगा हुआ ना, ताला लगा हुआ ना गाड़ी का, गेट पर कोई खरोंच नहीं क्या? ये गाड़ी किसकी है? नहीं है सरिया भैया देखो टेढ़ी पड़ी। अरे नशे की हालत में कितना कैसे था जो गाड़ी, यानी जी किसकी गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है? गाड़ी का और किसी गाड़ी है यहाँ के बच्ची के लौड़ी। अच्छा आपको ये यहाँ की गाड़ी नहीं है? यहाँ की गाड़ी नहीं है। हालांकि कार के मालिक का कहना है कि बाहर खड़ी गाड़ी में पास के रहने वाला एक व्यक्ति गाड़ी में आकर बैठ गया था, जिसने गाड़ी का सेल्फ लगा दिया और गाड़ी बेसमेंट में जा घुसी। गाड़ी गेट के सामने लगाई थी, फैक्ट्री के गेट के बाहर लगाई, तो बंदा एक आगे गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में चाबी लगी हुई थी और मैं बाहर बात कर रहा था किसी अपने फ्रेंड से, उसने अचानक से उस पर चलाना नहीं आता तो उसने एकदम से चाबी ऑन कर दी और गाड़ी के गेट में टकरा गई। अच्छा गाड़ी अंदर जब गई थी तो गेट खुला हुआ था? सर गेट खुला हुआ था, अगर गेट लगा होता तो गाड़ी अंदर जाती नहीं। यहाँ के जो वॉचमैन है उनका कहना है कि ताला लगा हुआ सर, वॉचमैन जब उस टाइम पे खाना खाने गया हुआ था, वॉचमैन था ही नहीं गेट। अच्छा वॉचमैन नहीं था तो खाना खाने गया हुआ। वहीं फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि आए दिन कुछ असामाजिक तत्व फैक्ट्री के सामने शराब पीते रहते हैं, कई बार समझाने के बावजूद भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। उनका कहना है कि फैक्ट्री के बेसमेंट में नशे की हालात में गाड़ी को घुसाया गया है। ये आए दिन यहाँ पर असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर शराब पीते हैं और शराब पी के यहाँ पर बैठे रहते हैं। कल रात को मैं 8:30 बजे यहाँ से गया तो 9:30 बजे मेरे पास फैक्ट्री से फोन आया कि भाई साहब गाड़ी जो है गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई है। फिर सुबह आके हमने यहाँ पर देखा, ये यहाँ पर इन्होंने ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ते हुए गाड़ी जो है इतनी स्पीड में थी कि बेसमेंट में घुस गई। वो ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि जो हमारे चौकीदार हैं वो उस टाइम पे वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, भोजन करने गए हुए थे। अगर वो भोजन करने गए होते तो शायद आज वो उनकी भी इतिश्री हो गई होती कि इतनी तेज़ गति से गाड़ी लेकर अंदर आए हैं। और संयोग ये रहा कि सब कुछ कोई जन हानि इसके अंदर नहीं हुई है, पर ये यहाँ पर आए दिन का ये असामाजिक तत्वों का ये यहाँ पर शराब पीते हैं और शराब पी के यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर गाड़ी है रोज यहाँ पर खड़ी रहती है। फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि आए दिन यहाँ शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, शाम होते होते शराबियों की महफिल सजने लगती है। कई बार इसकी शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।